Hello students of class 7th. Today we will study the second chapter, that is Black Beauty. It's page number 19. Let's study the difficult words. Circumstance: a particular incident or happening. Colt: a young male horse. Pricked: cause to stand and point upward. Stag: adult male deer. Or scent: a trail of hunted animal. And the whine: to make a long and high pitched sound when someone is in pain, then this kind of sound is done. Okay, so students, this topic or this excerpt, it has been taken from the story, or that was the novel that was written by Anna Sewell. Anna Sewell was a very sensitive writer, and she has felt the pain of the small animals, what they receive from the hunters. And hunters, they come for the hunting. They do the hunting just for the fun and just for the adventure. But the small animals and all the other animals, they feel the physical and mental pain. So let's start the story now. This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, and the story is about the horse. And you will see from this short piece that story is told by a horse. ये एक ऑटोबायोग्राफी है बच्चों, जिसमें के एक हॉर्स जो है वो अपनी आप बीती या जो उसकी कहानी है या उसका सेल्फ एक्सपीरियंस है वो बता रहा है इन द फील्ड व्हाइल ही एक्सपीरियंस द हंटर्स इन हिज ओन फील्ड. दिस पर्टिकुलर पैसेज डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ ब्लड स्पॉट. तो ये क्वेश्चन है, ये एक सवाल है उन हंटर्स पर जो के ब्लड स्पॉट या एक जगह इस तरह की जहाँ पर वो सारा खून का मंजर पेश कर देते हैं. विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पॉट एंड इवन टुडे दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड. तो आजकल ये मौजू भी है और बहुत से लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं कि इस तरह हंटिंग जो है इसको स्टॉप करना चाहिए. Before I was 2 years old, circumstance happened. तो ये horse जो है, one of the colt जिसको कहते हैं, he is explaining कि जब मैं 2 साल का था, a circumstance happened, एक वाक्या पेश आया, which I have never forgotten, जो मैं कभी नहीं भूला. I was early in the spring, तो ये एक बहार का मौसम था, and there had been a little frost in the night, तो रात का वक्त था और थोड़ी सी सर्दी थी, और a light mist still hung over the wood and the meadows, तो हर तरफ जंगल में जो है वो और चरागाहों में मिस्ट या नमी थी या सर्दी की वजह से एक धुंध का मौसम था. I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard quite in distance what sounded like the cry of the dog. मैं और मेरे जो दूसरे साथी जो colts थे या horses थे, they were feeding in the field, जो के जो खेत था उसमें हम जो चारा खा रहे थे. When we heard, जब हमने सुना, क्वाइट डिस्टेंस, वहाँ थोड़े ही फासले पर, द साउंड ऑफ क्राई, रोने की, डॉग्स के रोने की आवाज़. द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्ट रेज हिज हेड, जो हम में सबसे पुराना घोड़ा था उसने अपना सर उठाया. प्रिक्ड अप हिज ईयर एंड सेड, और अपने कानों को सीधा किया और कहा, देयर आर द हॉर्न्स, उसने कहा ये बड़े डॉग्स होते हैं, ये उनको हॉर्न्स कहते हैं, सो दे आर प्रेजेंट हियर. एंड इमीजिएटली कैंटेड ऑफ, फॉलोड बाई द रेस्ट ऑफ अस टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड. तो हम में से जल्दी से तेज़ी से चलना शुरू कर दिया हम सब ने, तो हम अपर पार्ट ऑफ द फील्ड की तरफ जो है वो जाने लगे, ऊपर की तरफ बढ़ने लगे. वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड द सी द सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, तो हम वहाँ पर जो हैज या जो फेंस होता है, जो बाउंड्री लाइन होती है, वहाँ से हम दूसरी फील्ड्स में देख सकते थे. माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट.
तो जो उसके पेरेंट्स हैं उस हॉर्स के मदर एंड वो भी जो है उसको उसके साथ थे एंड दे वर लुकिंग द ऑल सीन दे हैव फाउंड अ हेयर तो वहाँ पे एक हेयर था खरगोश था सेड माय मदर एंड इफ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट तो अगर वो इस तरफ आएंगे तो हम हंटिंग को या शिकार को हम आराम से देख सकते हैं एंड सून द डॉग्स वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड्स ऑफ द यंग वीट नेक्स्ट टू आर्स तो जहाँ पर हम खड़े थे उसके आगे ही एक खेत था एंड दैट वॉज फुल ऑफ द वीट जो कि गंदम का एक भरा हुआ पका हुआ खेत था एंड दे वर टीयरिंग डाउन उसको ख़राब कर रहे थे डिस्ट्रॉय कर रहे थे एंड डैमेजिंग दैट फील्ड I never heard such a noise as they made. तो मैंने इस तरह की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी They did not bark. वो भौंके भी नहीं nor howl, ना रोए nor whine, ना वो उस तरह से चिल्लाए जिस तरह दर्द में ऊँगते हैं But kept on यो यू ऊ ओ ओ at the top of their voices. And this was the voices they utter in the pain. After them came a number of men on the horseback, some of them in a green coats and all galloping as fast as they could. So, वहाँ पर कुछ आदमी थे जो कि उन घोड़ों पर सवार थे and they were galloping, it means कि वो तेजी से घोड़े का वो लेकर जा रहे थे सफर कर रहे थे and the old horses snorted and looked eagerly after them. तो जो पुराना घोड़ा था उसने जो है उनकी आवाज़ जो थी वो सुनी और उनकी तरफ खुशी से उनकी तरफ लपका एंड वी यंग कोल्ट्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम तो हम जो यंग जो बिल्कुल ही घोड़े अभी क्वाइट यंग थे तो वो भी उसके पीछे भागने लगे बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड्स लोअर डाउन लेकिन वो नीचे खेतों में जाने लगे एंड इट सीम्स एफ दे हैड कम टू स्टैंड और इस तरह लगा कि वो वहाँ पर खड़े हो गए हैं द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग एंड द रैन अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड तो वहाँ पर जो डॉग्स थे या हुंट्स थे वो बहुत तेज़ी से भागने लगे और भौंकने लगे और उन्होंने अपनी जो आवाज़ है वहाँ पर दबा ली एंड एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड और इस तरह लगा जैसे वो उनकी आवाज़ या उनके जो नॉस्ट्रल्स से ये वो निकाल रहे थे दैट वॉज स्टॉप दे हैव लॉस्ट द सेंट इट मीन्स सेट द हॉर्स द ओल्ड हॉर्स ने कहा कि इस तरह लगता है कि वो उन्होंने अपने खुशबू खो दी है या फिर कहें कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं परहैप्स द हेयर विल गेट ऑफ शायद वो मर चुके हैं एंड व्हाट हेयर आई सेड मैंने कहा ओ आई डोंट नो दैट हेयर लाइकली एंड ऑफ इट विल बी वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स तो ये हमारा जो सबसे पुराना वाला और जो अपना हेयर था जो खरगोश था शायद ये जंगल में रहने वाला वही है एंड हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर तो इसी तरह से ये वही डॉग्स हैं जो जिनके पीछे वो भाग रहे थे एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स began their yoo-yoo again and back they came all together at full speed to wo sab uske piche full speed mein bhagne lage and in the next part we will do in the second video